महिलाओं को हमारी सरकार 1500 रुपए प्रति माह देंगी, हर महीना ये देने का हमारा वायदा है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर कांग्रेस सरकार देंगी, 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट का हाफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और देख रहे हैं कि चुनाव करीब आने के दौरान जो भी पार्टी सत्ता में आना चाहती है वो अपनी तरफ से कई बड़ी बड़ी घोषणाएं करना शुरू कर देती है, फ्री की रेवड़ियां बांटने लगती है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं ले आती है जनता के लिए, लेकिन आम जनता समझ जाती है कि ये इस टाइम हुआ तो मतलब सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि करना होता तो पहले ही करते, अब इस टाइम ही क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे सवाल जनता के मन में उभरते हैं और वो सवाल उनसे पूछती भी है, लेकिन इसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। और इसी तरह अभी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, एक के बाद एक दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से नई नई योजनाएं लेके आ रही है, नई नई घोषणाएं कर रही है, और कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि जब हम कोई घोषणा लेकर आते हैं, कोई योजना लेकर आते हैं, तो हमारे वो बोलने से पहले ही बीजेपी वाले वो बातें जनता के बीच में ले आते हैं, हमारी कॉपी करते हैं और हमारी देखा देखी वो योजनाएं लेकर आते हैं, वरना करना होता तो पहले ही कर लेते, इतने टाइम से तो नहीं किया। यही सवाल जनता के भी होते हैं और यही सवाल विपक्ष पार्टी के भी होते हैं। और इसी को लेकर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं, तो वो अभी मध्य प्रदेश में गए हुए हैं और वो भी अपनी तरफ से कुछ योजनाएं और कुछ घोषणाएं हैं जो जनता के बीच में रख रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या क्या कहा। महिलाओं को हमारी सरकार 1500 रुपए प्रति माह देंगी, हर महीना ये देने का हमारा वायदा है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर कांग्रेस सरकार देगी, 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट का हाफ। किसानों का कर्ज पहले भी कमलनाथ जब थे थोड़ा माफ कर दिया, अब किसानों का कर्ज भी माफ। तो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल, किसानों का 5 हॉर्स पावर बिजली बिल माफ, सिंचाई के पुराने बिल भी माफ, और बैकवर्ड क्लास के लिए 27% आरक्षण, यानी उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। 12 घंटे सुनिश्चित सिंचाई की बिजली हम देंगे, और बैकवर्ड क्लास कास्ट सेंसस हम कराएंगे ताकि सबको मालूम होगा कौन किस जगह ठहरा है, उसकी हैसियत क्या है, उसको क्या मदद करना चाहिए, वो भी हम करवाएंगे। और जो किसान आंदोलन में जो मुकदमे आपके पास है, आपके ऊपर है, उसको हम निकाल देंगे, वापिस लेंगे, और ये है गारंटी हमारी। और ये देखकर 4 दिन पहले या 2 दिन पहले उन्होंने यही कॉपी करा और लोगों को बोलने लगा, नहीं हम ये देते। अरे भाई, देना है तो लास्ट इलेक्शन में देना था, या उसके पहले इलेक्शन में देना था, या जब शुरू में आप बने चीफ मिनिस्टर उस वक्त देना था। जब हम निकाले हमारा मैनिफेस्टो तब उनका आया, यानी हमारी कॉपी कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास असलियत है, आपका प्रणाली के निकालो, मैनिफेस्टो निकालो, देना था, वो नहीं दे रहे। तो इसीलिए हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। गरीबों की जो उद्धार करने वाले, कल्याण करने वाले की सरकार हमको होना है। और ये बाकी का तो मैं नहीं कहता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इतने घोटाले जो हुए हैं हमारी सरकार आने के बाद, उन घोटालों को उसकी इंक्वायरी करेंगे। अगर हम इंक्वायरी नहीं करेंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे, तो फिर दूसरा करेगा ऐसा ही।
जो किया है उसको जरूर शिक्षा मिलना चाहिए। और ऐसा ही गुमराह करके अगर वो चलते रहेंगे, व्यापन घोटाला, पेपर लीक घोटाला, इतने घोटाले, वो मंदिर, एक मंदिर दुरुस्ती का, महाकाल मंदिर, अरे भाई उसमें भी नहीं छोड़े उन्होंने। मैं सुना आपके पास 50% कमीशन, कर्नाटक में हमारे पास एक सरकार थी बीजेपी की, वो 40% वाली थी, ये 50% वाली है, उससे 10% आगे। तो आप ही सोचिए, इनको निकालना या रखना, बोलिए आप, निकालना, सब हाथ उठाइए निकालने वाले। मुझे खुशी हो गई, आप में इतनी ताकत है, आप जरूर चव्हाण के सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। तो दोस्तों, ये थे मल्लिकार्जुन खड़गे और इन्होंने क्या क्या कहा आपने सुना। और मध्य प्रदेश में जैसे अभी चुनाव है तो वहाँ के पब्लिक ओपिनियन भी सामने आते रहते हैं और ज़्यादातर ऐसी बातें सामने आती है कि वहाँ पे जनता का बदलाव का मूड है। और बदलाव का मूड इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी को कई बार मौका दिया है लेकिन वो उनकी जो बातें हैं उस पर खरी नहीं उतरती, तो जनता के मन में काफ़ी सवाल होते हैं अभी भी। चाहे बीजेपी नेता जो वहाँ के मंत्री हैं कितनी घोषणाएँ कर ले, कितने बड़े बड़े वादे कर ले, लेकिन आगे वो वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे ये तो जनता को साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा हर बार होता है, कई वादे होते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो सारे वादे नेता भूल जाते हैं, जनता के बीच में जाना भूल जाते हैं। और तो इसलिए जनता ने ये भी सोचा है कि क्यों ना इस बार दूसरी पार्टी को मौका दे के देख लिया जाए, वो भी इस तरीके के वादे कर रहे हैं, क्या पता वो अपने बातों पर सच खरी उतरे। तो हो सकता है कि इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव हो, बाकी तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। और दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आप क्या कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए जहां भी चुनाव है वहां पर, तो कि नहीं? और बाकी जो भी आपके मन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।